तो ये देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा भाई 24 इंचेस का पिज़्ज़ा। एंड टॉपिंग्स आप देख सकते हैं बिल्कुल कस्टमाइजेबल करवाई है मैंने। तो ये देखिए गाइज, ये है भाई हमारा पिज़्ज़े का बेस एंड इस पे जा रही है सॉस। आप देख सकते हैं ये पिज़्ज़ा सॉस है भैया। मैंने भी अपना जो है हाफ वेज करवाया है, हाफ साइड नॉन वेज की करवाई है। एंड अब इसके ऊपर ये चली गई है गाइज, इनकी चीज़ है अच्छा मोजरेला चीज़ चली गई गाइज इनकी, ये देख सकते हैं आप। और अब जो है ये इसको जो है हाफ डन हो गए, तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा? 3 से 4 मिनट। ये देखिए गाइज हमारा, अब इसके ऊपर जाएंगी टॉपिंग्स। जा रहा है ऊपर से चीज़ ब्लेंड है। ये देखिए हमारी भाई चीज जा चुका है, इनकी चीज की क्वालिटी देखिए भाई एक बार, कितनी अमेजिंग लग रही है ये देख सकते हैं। तो इस साइड जो है हमारा कैलिफोर्निया 5 चीज हो रहा है। ओके, तो भाई काफी बड़ा होने वाला पिज्जा, आप खुद देख सकते हैं मेरे एक बारी भी फ्रेम में भी नहीं आ रहा। ये देखिए भाई कितना लोडेड लग रहा है हमारा पिज़्ज़ा। जो मेरा पिज़्ज़ा पड़ेगा ये 24 इंची का मॉन्स्टर पिज़्ज़ा, इसका अराउंड 1500 रुपीज़ प्राइस है। तो 3 से 4 लोग इसे बड़े प्यार से खा सकते हैं गाइस। एंड अब कौन सी लेयर लगा रहे हो, कौन सी साइड? फार्म हाउस की। आ गया हमारे गाइस ऑनियन, और ये आ गया है हमारा गाइस कैप्सिकम, और ये ऊपर से स्वीट कॉर्न होगा, और ऊपर से मशरूम आ गया है। तो ये भी कस्टमाइज करवा सकते हो आप ज़रूर। चिकन टिक्का जा रहा है, तो ये आ गया ऊपर से हमारा गाइस चिकन स्मोक है, चिकन ओवरलोडेड वाला बिल्कुल, चिकन बारबेक्यू स्मोक अभी से, और अभी तो रेडी नहीं हुआ अभी इसमें। इसके बाद हमारी टॉपिंग्स के बाद और भी कुछ जाएगा इसमें? हाँ सर, ऊपर से चीज जाएगी। अच्छा, चीज़ भी जाएगी ऊपर से पूरे, हाफ नॉन वेज हाफ वेज। वाह, और भाई चिकन देखो ना कितना लोडेड रखा है भाई इन्होंने, चिकन ही चिकन लोडेड रख दिया भाई पूरा, बहुत ही बढ़िया लाइक मेरे को लगा इनका चीज़ की। ये देखिए फिर से चीज़, और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कैलिफोर्निया वाला जो मेरा पार्ट है वो तो पूरा चीज़ का ही हो गया, तो कितनी चीज़ होने वाली है उस पर यार। लिटरली मेरे को तो भाई मुंह में पानी आ रहा है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ मुंह में पानी आ रहा है मेरे। ये देखिए, इसमें अराउंड जो है कितना कुछ अंदाजा होगा आपको, कितने ग्राम चीज चली जाती होगी इस पिज्जा में? अपने 800 से 900 ग्राम तो चीज चली जाती है गाइस ऑलरेडी पिज्जा के अंदर। आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग लग रहा है, ये देखिए फुल्ली लोडेड हो गया है। एंड इसके बाद भी और कुछ जाएगा इस पे या फिर ओ भैया वो सीधा ओवन में जाएगा? ओके, जाएगा गाइस हमारा 24 इंच का मॉन्स्टर पिज्जा ओवन के अंदर। इसको कितना टाइम लग जाएगा? 4 से 5 मिनट बाद मिलता हूँ गाइस आपको। तो ये देखिए गाइस पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारा, मात्र 10-15 मिनट के अंदर। तो अब जो है गाइस इसकी होगी कटिंग, और फिर होगी हमारी जो जिसके लिए मैं वेट कर रहा था टेस्टिंग। ये देखिए गाइस साहब 24 इंचेस का मॉन्स्टर पिज़्ज़ा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए स्लाइसेस इसमें, ये देखिए तो भैया बेसिकली इसमें 8 स्लाइस होती है या 12 स्लाइस होती है? सर 12 स्लाइस होती है। 12 स्लाइस भी करवा सकते हो आप, और 8 स्लाइस भी करवा सकते हो, आपके ऊपर है। ये देखिए गाइस हमें वेज नॉन वेज का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हमने पहले वेज काटा है। ओके ओके, ये देखिए। तो चलिए गाइज मैं आपको टेस्टिंग करके बताता हूँ, प्राइस आपको बता दिया, लोकेशन आपको बता ही दिया है। तो अब करते हैं हम टेस्टिंग पार्ट इसका। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है, तो ये देखिए दोस्तों, ये आ गया हमारा भाई 24 इंचेस का पिज़्ज़ा। एंड टॉपिंग्स आप देख सकते हैं बिल्कुल कस्टमाइजेबल करवाई है मैंने भाई, चिकन मैंने भर भर के डलवाया इसमें, आप खुद देख सकते हैं। चलिए मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके बताता हूँ। तो वीडियो बनाते वक्त भी मुँह में पानी आ रहा था। तो ये देखिए दोस्तों भाई मेरा पिज़्ज़ा आ चुका है यार, कितना अमेजिंग लग रहा है, लिटरली 24 इंचेस का पिज़्ज़ा। एंड गाइस ये है मेरी एक स्लाइस, ये देखिए, मेरे ख्याल से मेरे से टूट भी पाएगी नहीं। ये देखिए भाई स्लाइस देखिए पूरे लाइक, ये देखिए गाइस ये है हमारी भाई एक स्लाइस इस पिज़्ज़ा की, आप देख सकते हैं कितना बड़ा और कितना हैवी मॉन्स्टर पिज़्ज़ा है। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ साइड में से कैसा है टेस्ट में। गाइस बहुत छोटी बाइट ली है मैंने बस टेस्ट करने को, एंड
चीज़ परफेक्टली मेल्टेड है इसमें और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो आप भी यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं माफ्स पिज़्ज़ा पर इंद्रपुरम और इनकी लाजपत नगर वाली ब्रांच पे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को फॉलो कर लें। एंड गाइस ये वेस्ट नहीं होगा, जितना हम खा सकते हैं उतना खाएंगे एंड बाकी हम डोनेट कर देते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना एंड हमारे को फॉलो करें @ फेसबुक पर भी।